वेलकम टू मोहिनीज फूड मैजिक। आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा सोडा प्रीमिक्स। इस प्रीमिक्स को आप बनाकर 6 महीने तक फ्रिज के बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो फटाफट से 2 मिनट में इस जीरा सोडा को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आसान सी रेसिपी को बनाना। जीरा सोडा प्रीमिक्स बनाने के लिए 1 कप ले रही हूँ मैं जीरा, 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों को हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जीरा खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। जीरा हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो हमारी डाइट में हमें जीरे को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में जीरा बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बस इसे हमें और ज़्यादा नहीं सेकना है। अब हम कर देंगे गैस बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें डाल देंगे इसे और इसका हमें एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। फाइन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर में इसे छान लेंगे, पर छानते वक्त ही इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून चाट मसाला। आप किसी भी कंपनी का चाट मसाला ले सकते हैं और 3 टेबल स्पून काला नमक। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानते वक्त हमने ये 2 चीज़ें इसलिए ऐड कर दी कि एक तो ये आपस में मिल जाएंगी, दूसरा इनमें कोई भी गुठली होगी वो भी आसानी से छन जाएगी। यदि आपका जीरा बच रहा है नीचे तो इसे फिर से मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें और पीस लें और फिर से छान लें। तो देख सकते हैं आप कि मैंने बहुत अच्छे से छान लिया, नीचे बहुत कम ही बचा है, बस मैं इसे अलग कर देती हूँ। और इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा जो जीरा सोडा प्रीमिक्स है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं 6 महीने तक फ्रिज के बाहर। बस ये ध्यान रखें कि जो जिस कंटेनर में आप इसे भर रहे हैं वो एयरटाइट रहे, जिससे ये ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से इस जीरा सोडा प्रीमिक्स को बनाकर तैयार कर लिया है और इसे अब हम सोडा बनाएंगे और वो भी बहुत आसानी से। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 ग्लास और उसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ पिसी हुई शक्कर। शुगर की जगह आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून हनी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून जीरा सोडा प्रीमिक्स और इन सभी चीज़ों को हमें कर देना है बहुत अच्छे से मिक्स। लीजिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 लेमन की स्लाइसेस, थोड़े से पुदीने के पत्ते जो इसे फ्रेशनेस देगा। अब इस जगह पर हम डालेंगे कुछ आइस क्यूब, पर मैं वो डालना भूल गई थी, पर आप मेरी तरह बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब हम डाल देंगे क्लब सोडा और लीजिए फटाफट से हमारा जीरा सोडा बनकर तैयार हो गया है। हम इसे कुछ पुदीने के पत्तों से गार्निश करेंगे। सोडा अब तो बनकर तैयार हो गया है, पर यदि आपके पास सोडा नहीं है तो आप किस तरह से इस जीरा सोडा को बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस, उसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे जीरा सोडा प्रीमिक्स, 1 टेबल स्पून डालेंगे शुगर या हनी और इन सभी चीज़ों को हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे लेमन स्लाइसेस, कुछ पुदीने के पत्ते और यहाँ पर भी मैं आइस क्यूब्स डालना भूल गई थी। और अब हम इसमें डाल रहे हैं इनो का 1 सैशे। मेरा ये जो ग्लास है ये बड़ा है, इसलिए मैंने पूरा सैशे यूज़ किया है। यदि आपका ग्लास छोटा है तो आप आधा यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ठंडा पानी और देखिए कितनी फटाफट से हमने 2 तरह से ये जीरा सोडा प्रीमिक्स से जीरा सोडा बनाकर तैयार कर लिया है, वो भी बहुत आसानी से। अब फटाफट से आप बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह के आसान से वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।